दोस्तों बहुत कम टाइम बचा है नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग का जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो गया होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग को लास्ट के जो दिन बचे हुए हैं, लास्ट 10 डेज जो बचे हुए हैं, 12 डेज जो बचे हुए हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसमें आपका जो प्रिपरेशन प्लान है कैसा होना चाहिए, उस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्लीज़ प्लीज़। मैं हमेशा बोलता हूँ जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या पता कुछ इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए सीधे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो क्या क्या इस 10 दिन 12 दिन में आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों गाइस, लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत नर्वस होते हैं, तो प्लीज़ इस नर्वसनेस को कम करना है, ना कि बढ़ाना है, यू नो। तो कुछ सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डर जाते हैं, जिनका तैयारी तो बहुत अच्छा होता है लेकिन जिनको डर लगते रहता है क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो डरते इस बात से हैं जो घर वाले क्या करेंगे या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, जो पापा जी ने तो इतने पैसे खर्च किए, अब रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। तो देखिए, पैनिक जो है ना बहुत तरीके के हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, यू नो। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने तो पूरे साल पढ़ा नहीं, अब क्या होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी बोला, नेगेटिविटी से आप लोग जब तक दूर नहीं रहिएगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब एग्ज़ाम के बाद सोचना है, अभी नहीं। ये जो 10 दिन है ना, उसको यूटिलाइज करना है, जितना अच्छे से अच्छे आप लोग यूटिलाइज कर सको इस 10 दिन को, उतना ज़्यादा बेटर होगा। आप नेगेटिविटी से दूर रहो, हर कुछ अच्छा होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है, पैनिक नहीं करना है आपको। अगर आपको आप में लगन है ना, तो आपके पेरेंट्स भी देखेंगे जो लगन है आपके अंदर, तो डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। और इस 10 दिन को यूटिलाइज करना है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छे से है और नहीं भी है, फिर भी इस 10 दिन में क्या करना है, क्योंकि इस 10 दिन में अगर आप इतने सारे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, एक एक लाइन वाइज पढ़ने जाओगे तो ये तो संभव नहीं है। अब आपको स्मार्ट वे से तैयारी करना है, यू नो। तो फर्स्ट बातें मैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ ये है कि आप लोग अपने स्ट्रेंथ को समझिए, आप लोग अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, क्योंकि हर एक बंदे का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है, चैप्टर होता है या सब्जेक्ट होता है जो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो अच्छे से उस चीज़ को कमांड कर सकता है। अगर अभी तक भी आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो उस चीज़ को समझिए, क्योंकि पूरे साल में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप पढ़े ही पढ़े होइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने जो आपका स्ट्रेंथ है ना, उस पे वर्क कीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो इस लास्ट के जो बचे हुए दिन है ना, इसमें आप इतना जरूर कर सकते हो, जो 3-4 पेपर को, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप लोग सॉल्व किए। मेरा मतलब ये है, जैसे अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगे या किसी कोचिंग में होगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप लोग टेस्ट ज्वाइन करो और टेस्ट पेपर जाके दो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक दिन में 3-4 लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन का रिवीजन होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन की जो बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चंस डालने चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो पे आप लोग का रिस्पांस मिलेगा दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो उसको कमेंट तो करिएगा ही करिएगा, और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा। और मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं डालना चाह रहा हूँ, बट अगर आप लोग का रिस्पांस मिलेगा तभी मैं डालूँगा, क्योंकि आप लोग अगर नहीं देखिएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, मैं आप लोगों के लिए ही कुछ करता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी। और अगर जो भी मैं वीडियो डालूँगा ना, अगर वो आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो वो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप इतना ज़रूर समझ लीजिए जो आपका तैयारी बहुत अच्छे से है। गाइस, लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं, इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन किया होगा, तो प्लीज़ उसको हर दिन 3-4 करिए ही करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है जो लाइन वाइज पढ़ने का, तो ये कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। ओके, उसके बाद आप लोग प्लीज़
बायो में कम से कम 4 घंटा 4.5 घंटा दीजिए ही दीजिए हर दिन, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा लेते हो ना, मान लो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और 300+ उठा लिए, और मान लो अगर आपकी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं है और आप करना चाहते हो, मान लो बायो पढ़ने से आप मान लो 200-250 नंबर उठाते हो, तो फिर सोचो जो आपका नंबर कहाँ से कहाँ बूस्टअप होगा। तो ये बहुत ज़रूरी, तो बायो पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप लोग को करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो हमको आसानी से फार्मूला बेस्ड ही बन जाएगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ फिज़िक्स में फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा ही कीजिएगा। ओके, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या केमिकल बॉन्डिंग GOC, इन सबको आप लोग देखिएगा। अगर स्टडी प्लान की बात करें, ये जो लास्ट 10 डेज है, तो दोस्तों अगर आप जो स्टडी बनाए होंगे स्टडी टाइम टेबल, ये तो वेल एंड गुड है। अगर एक बात मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आप लोग का प्लान लेट नाइट स्टडी का है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि लेट नाइट स्टडी आप करते हो तो पूरे दिन इनएक्टिव रहते हो, आप एक्टिव रह नहीं पाते हो। और आप ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए, जो आपका एग्ज़ाम दिन में है हीरो, तो दिन में है ना, तो दिन में जितना से जितना ज़्यादा आप एक्टिव रह सको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो अभी से 10 बजे तक मान लो हार्डली आप लोग 10 बजे तक सो जाने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद 4-4:30 बजे तक उठ जाइए, और क्योंकि ये जो वातावरण होता है ना उस टाइम में सब सच पेरेंट्स सच बोल देते हैं, जो सब सोया रहता है, आप पढ़ोगे जो भी आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है या जो भी है, तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ना 4-7 पढ़ सकते हो, 4:30-8 बजे तक, उसमें ज़्यादा आप अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप लोग बनाए हो तो वेल एंड गुड है। ओके, अब दोस्तों जो भी दिन बचे हुए हैं ना उसमें आपको जो मैंने बोला, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक दिन में आपको 3-4 सेट लगाना ही लगाना है, इससे कम तो नहीं लगाना है। उसके बाद बायो को अच्छे से देखना है, फार्मूले देखने हैं, और हाँ एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग OMR को प्लीज़ फिल कीजिएगा, OMR को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जो आप लोग सीधे एग्ज़ाम में जाके OMR को भरो, इससे गलती होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दूसरी बात जो मैं आप लोग को बताऊँ, प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, खाना अच्छा अच्छा खाइएगा, ना कि कुछ ऐसा खाना खाइएगा जिससे फूड पॉइजनिंग हो, तो ये चीज़ दिक्कत हो सकती है, तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा हैवी फूड मत खा लीजिएगा अभी, क्योंकि हैवी फूड खाइएगा फिर आपको नींद उंदा आएगा। चावल थोड़ा सा, अगर आप चावल के प्रेमी हो तो चावल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के दिन आएंगे ना तो आपको सुबह में नींद आएगा, तो रोटी खाने का ज़्यादा कोशिश करना है इस बचे हुए दिन में, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खाना पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, कि आप लोग ये सोचते रहते हो ना जो एग्ज़ाम में क्या होगा, टेस्ट रिज़ल्ट कैसा आएगा, ये सोचने के बगैर आप ये सोचो कि आप इस जो बचे हुए दिन में है उसमें आप अपना 100% कैसे दे सकते हो, क्योंकि अगर आप 100% इस बचे हुए दिन में भी दोगे ना तो हर कुछ अच्छा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को स्पेशली लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं आप लोग तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और, मैं आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो जैसे लिखता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी ये चीज़ लाने वाला हूँ मोटिवेशनल वीडियो, तो वो भी आप लोग सुनना मत भूलिएगा। थैंक यू।